बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भावना की ज्योत को जला के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इन पंक्तियों में जो सच्चाई छुपी है कि भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, जैसे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग और रोटी खाई, किस तरह श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के कच्चे चावल खाए। भक्त और भगवान के इसी तरह के इस पावन रिश्ते को बताने के लिए जो मैं भजन सुनाने जा रहा हूं, वह किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जिसमें एक ऐसी भगवान श्री कृष्ण की दीवानी महिला जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपनी रफ्तार से चलता गया, वो बड़ी हो गई और उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े समय बाद प्रभु की असीम कृपा से बाल गोपाल हो गए, मगर फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, मगर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। परंतु कहा जाता है कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस महिला ने जब ये देखा कि उसका शरीर अब साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से अष्ट धातु की कन्हैया जी की मूर्ति ले आई और बड़े लाल प्यार से उसकी सेवा करने लगी। आइए, उस महिला की जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई, वह इस भजन के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
भगत मुरली वाले की, रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड़ी लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड़ी लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लल्ला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, पुकारे। हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। क्या हुआ और कैसे हुआ, समय का चक्र चलता है और कुछ समय बाद जन्माष्टमी का दिन आता है, और उसी दिन उस वृद्ध महिला का स्वास्थ्य खराब होने के कारण खटिया पर लेटे लेटे उसने अपनी बहू को आवाज दी और कहा, बेटी आज जन्माष्टमी का दिन है, तुम जरा लल्ला को स्नान तो करा दो, और उसे चंदन का लेप लगा के सुंदर से वस्त्र पहना के उसे पल्ले में बिठा दो। बहू जो बहुत जरूरी काम में व्यस्त थी, कहा, माँ मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, मेरा काम खत्म होते ही मैं लल्ला का काम कर दूंगी। ये सुनकर उस महिला ने कहा कि मेरे घर पर हमेशा से पहला काम मेरे लल्ला का ही होता आया है, इसलिए सबसे पहले मेरे लल्ला का ही काम होगा, इसके बाद तुम कोई भी काम करती रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर बहू जो थोड़ा गुस्से में आ गई और झुंझला कर
उसने कन्हैया जी की मूर्ति उठानी चाहिए और जैसे ही लल्ला की मूर्ति उठाई और मूर्ति उसके हाथों से गिर पड़ी। मूर्ति गिरते ही वो महिला बोली, क्या वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, क्या जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर वालों ने लाख कोशिश की उस महिला को समझाने की, घर में कोहराम भी मच गया, मगर उस महिला की समझ में नहीं आया। बेटा बार बार कह रहा था कि माँ, ये अष्ट धातु की मूर्ति है, ये जमीन में गिरने से कोई चोट नहीं लगती इसको। लेकिन वह तो कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम तो डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लाल को जाकर दिखाओ। चीख पुकार हल्ला सुनकर पड़ोस में जो पड़ोसी रहते थे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। कहा, पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? लड़के ने कहा, मेरी माँ पागल हो गई, मेरी माँ पागल हो गई, अरे अष्ट धातु की मूर्ति जमीन में गिरी है और कहती है कि डॉक्टर को बुलाऊं। उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग इंसान, उसने बेटे को बुलाया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, अपने मोहल्ले में जाओ, दो चार डॉक्टर रहते हैं, किसी को भी लेकर आ जाओ और आकर अपनी माँ को तसल्ली दे दे। उसको जब कुछ समझ में आया, गया डॉक्टर के पास, सबने मना कर दिया, अरे अष्ट धातु की मूर्ति को हम क्या जांच करेंगे, क्या चेक करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, हम तो नहीं जाएंगे, मना कर दिया। उसमें से एक डॉक्टर जिसको उसने मनाया, मिनते की, हाथ पैर जोड़े, कहा, क्या चाहिए, जितनी भी आपको फीस चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं, एक बार हमारी माँ को चलकर तसल्ली दे दीजिए कि उनका लल्ला ठीक है। जब डॉक्टर ने बात सुनी, कहने लगे, ठीक है चलिए, अपना बैग ब्रीफकेस उठाया और चल दिया उसके घर। उसके बाद आगे क्या हुआ, नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं हुई, वो औरत बोली, अरे डॉक्टर
ये तू कैसी जांच कर रहा है? अपना बैग खोल, अपनी मशीन निकाल, जो कान से लगाने के बाद सीने पे लगाता है, और उसी मशीन से मेरे लाल की ठीक से जांच कर और देख मेरे लाल को क्या हुआ। डॉक्टर ने अपना बैग खोला, वो मशीन निकाली, एक सिरा अपने कान से और दूसरा सिरा लल्ला के सीने पे लगाया, और सीने पे लगाने के बाद हाथ की नब्ज को पकड़ा, और दूसरा सिरा जब सीने से लगाया तो उसके बाद देखिए क्या होता। ज्यों ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा, उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी, सब की सब धरी रह गई। अपना बैग वहीं छोड़ा और जाने लगा। उस महिला ने डॉक्टर को आवाज लगाई, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहे हो, अपना बैग तो लेते जाओ। उस डॉक्टर ने उस महिला से कहा, क्या देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। डॉक्टर ने उसके बेटे को बुलाया और कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।